सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप स्नैपडील से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे लेकिन अभी आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो कैसे कैंसिल कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्नैपडील का ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको स्नैपडील एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप ओपन कर लेते हो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपके जो ऑर्डर होंगे वो दिखेंगे। तो आपको माई ऑर्डर के ऊपर पहले तो क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ऑर्डर कन्फर्म, ये वाला जो मेरा ऑर्डर है वो कन्फर्म हो चुका है। अब आपको इसका जो नेम है आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंपल सा इसके नेम के ऊपर क्लिक करना है और फिर ये कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंसिल करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको यहाँ पर कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है जब ये शिफ्ट हो जाता है उसके बाद या फिर आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है, तब यहाँ पर हमें जो है कि ये कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो इस केस में आप कैसे कर सकते हो, और अगर आपने पेमेंट पहले ही कर दिया या फिर अभी आपने पेमेंट नहीं किया, कैश ऑन डिलीवरी आपने किया है लेकिन आपको ये प्रोडक्ट कैंसिल करना है तो कैसे करोगे। तो ऐसे में आपको जो है इनके कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना। अगर इनके कस्टमर केयर से बात हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाती है तो जो डिलीवरी बॉय आता है, जो आपको ये प्रोडक्ट की आपको डिलीवरी जो देने आएगा, जब वो आपको फ़ोन करेगा कि आप ये जो कि प्रोडक्ट ले लो आकर के, तो आप उसको मना कर देना कि मुझे ये प्रोडक्ट कैंसिल करना है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो वो कैंसिल कर देगा। क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन होता है वो डिलीवरी बॉय का ही होता है। डिलीवरी बॉय के बाद जब आप रिसीव कर लेते हो अपना प्रोडक्ट, उसके बाद फिर रिफंड रिप्लेस वाला वो सिस्टम हो जाता है, फिर कैंसिल करने का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो अभी चलिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करके इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और यहाँ पर अभी हमें रीजन सेलेक्ट करना होगा कि किस वजह से हम इसको जो है कि कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे से ये मिस्टेक से मतलब मैंने ऑर्डर कर दिया था, और उसके बाद कंफर्म कैंसिल के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट।